पहले भी मेरे को ऐसा, मैं काम कर रहा था 2 साल से स्विगी, तो उस टाइम ऐसा अर्निंग टिप्स मिलता था, तो अभी ये वाला पार्सल को मिल चुका है, देख सकते हो। तो इसमें कुछ पेपर वगैरह कुछ बॉक्स में कुछ है, तो इसी तरह आप लोगों को मेरा लाइफ का जर्नी शेयर कर देता हूँ। तो गाइस ये वाला ऑर्डर को लेके देख सकते हो, कस्टमर ड्रॉप लोकेशन आ गया हूँ। इधर का व्यू नज़ारा तो खतरनाक भाई, व्यू नज़ारा ऐसे बड़ा बड़ा सोसाइटी में ना, तो ऐसे पैदल चल के आना पड़ता है 1 किलोमीटर, और उससे भी ज़्यादा भी आना पड़ता है। तो गाइस ये वाला ट्रिप में 294 मिला है मेरे को, और यहाँ पे देख सकते हो इधर का व्यू नज़ारा ज़बरदस्त भाई, 368 से मेरे। तो गाइज अभी ये जो पार्सल देख सकते हो, बॉक्स है, ये बॉक्स एक सर जी ने कार पे लेके खड़ा रहते थे वहाँ पे। मैं वहाँ पे जब लोकेशन पे आया तो वहाँ पे सर ने कार से निकाल के ये दिए। तो सोच लीजिए कस्टमर अगर ये छोटा सा बॉक्स को कार में लेके 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर कुछ भी वो जाएंगे, तो भाई उनका खर्चा भी ज़्यादा है, टाइम भी वेस्ट होगा। तो ऐसे ही पोर्टर सर्विस कितना अच्छा, मतलब बेहतर हो, देख सकते हो। मैं यहाँ पे अभी पिकअप करने के बाद इसको मैं अच्छा से बांध लिया हूँ, लेके जा रहा हूँ। गाइस अभी मेरे पास एक पार्सल है, देख सकते हो इसमें क्या है पता है, इंटीरियर का सामान, देख सकते हो इंटीरियर रहता है ना, तो इंटीरियर का जो चार्ट रहता है ना बुक, तो वही है 3। तो ये वाला ट्रिप मैंने टोटल 12 किलोमीटर आया। यहाँ पे प्रेस्टीज शांतिनिकेतन अपार्टमेंट है ना, तो यहाँ पे अभी ये वाला सामान को मैंने अच्छे से कैसे कवर किया, देखो पॉलीथीन डाला हूँ, उसके अंदर देख सकते हो बुक्स वगैरह है, देख सकते हो इंटीरियर का चार्ट का जो बुक है ना वही है। तो बहुत वेट है, तो रबर भी लगाया, 2 रबर लगाया, फिर साइड से रस्सी लगाया हूँ, यहाँ से बांधा हूँ, देख सकते हो इस साइड पर रस्सी से लगा रखा हूँ। तो ये वाला ऑर्डर मेरे को असाइन हुआ था 236 या 237। कस्टमर मेरे को बोले कि ठीक है भैया आपको 300 दे देंगे, क्योंकि अभी मेरे को लेके टावर 12-13 फ्लोर में देना पड़ेगा ये वाला पार्सल को। यहाँ पे एंट्री वेंट्री हो गया अभी। तो गाइज आइटम पूरा हैवी है, बहुत वेट है। तो पूरा मैं अपार्टमेंट का जो बेसमेंट में रहता है ना, मेरे को 12 टावर में पूरा लिफ्ट तक आ गया हूँ, यहाँ से बस लिफ्ट तक लूँगा, फिर आइटम डिलीवरी करूँगा, ठीक है। तो देख लीजिए मैं कैसे कैसे इसको बांधा हूँ और कैसे खोलता हूँ अभी, ठीक है। तो गाइज देख सकते हो मैं ये वाला पार्सल को लेके आया हूँ शांतिनिकेतन, प्रेस्टीज शांतिनिकेतन। और इससे वो आइटम है ना, ये बुक से इसको क्या करना पड़ता है, जैसे कि मैं अच्छा से बांध के लेके आया, और हैवी वेट है, अगर मैं पार्किंग में गाड़ी रख के आऊँगा तो उसको बहुत हैवी है, मेरे को लाने में दिक्कत होगा। तो मैं सिक्योरिटी से बात करके पूरा लिफ्ट का पास में लेके आता हूँ, क्योंकि जैसे कि बिग बास्केट, ब्लिंक किट, जो जो बड़ा बड़ा जो ऑर्डर आता है ना, तो वो भी डिलीवरी बॉय लोग वो ऐसे ही पूरा लिफ्ट तक गाड़ी लेके आते हैं, ठीक है। तो मैं सारे के सारे यहाँ पे रस्सी वगैरह खोल दिया हूँ, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जो बुक्स लेके आया हूँ ना चार्ट, ये इंटीरियर का ये जो चार्ट बुक रहता है ना, तो वही मैं लेके आया हूँ, जो डेमो का एक बुक रहता है उसमें डिजाइन वगैरह रहता है। तो सारे के सारे रबर वगैरह मेरे को खोलना पड़ता है, तो खुलने के बाद अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखिए मैं कैसे काम करता हूँ। ऐसे ही हमेशा तो छोटा छोटा पार्सल मिलेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है ना, तो डिपेंड करता है कि देखिए मैं जैसे पॉलीथीन यूज़ करता हूँ, ये वाला पॉलीथीन देख सकते हो, ऐसा पॉलीथीन भी एक रखना ज़रूरी है। कि ये जो बुक सामने आप लोग अभी देख सकते हो ना, ये बुक्स देख सकते, मान के चलो मैं पॉलीथीन यूज नहीं करूँगा तो बारिश आ जाएगा तो फंस जाऊँगा ना। तो देख लीजिए ये वाला बुक्स को, देख लीजिए कैसे कैसे, ये जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा पूरा बुक्स है, तो ये सारे के सारे को मेरे को क्या करना पड़ता है कि ऐसे ही रबर वगैरह मैं बैग में डाल देता हूँ, जितना भी मेरा रबर यूज करता हूँ, और गाड़ी में हमेशा एक रबर में लगा रखता हूँ, और बैग को ऐसे ही रबर में लगा के मैं यूज करता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ मेरा जो लाइफ है ना, मेरा लाइफ में देखिए मैं जो ये जो काम कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को भी सही लग रहा है कर सकते हो, आपका पास अगर गाड़ी है तो पर्सनल नाम पे, आपका खुद का नाम पे गाड़ी होना चाहिए। ये काम पे एक चीज़ यही है, कंडीशन यही है कि आपका खुद का नाम पे गाड़ी अगर होगा तो
तो आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं जैसे काम करता हूँ हर चीज़ आप लोगों को शेयर करता हूँ। देखिए क्या पार्सल लेकर आया, देखिए। तो फाइनली मैं ये वाला आइटम को लेके लीड तक आ गया हूँ और सिक्योरिटी के पास अच्छे से एंट्री वगैरह करना पड़ता है तो एंट्री कर दिया हूँ। और एक चीज़ भी याद रखिए, जहाँ पे हम पिकअप करते हैं ना ऐसा ऐसा जो भी कीमती सामान है ना, तो वहाँ पे रिसीव में हम लोगों को सिग्नेचर मारना पड़ता है। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए अभी मैं कहाँ हूँ। अगर कोई भी बंदा को पता होगा अभी मैं कहाँ हूँ तो ज़रूर गाइज कमेंट करना। गाइज व्यू नज़ारा देख लीजिए, तो व्यू नज़ारा देख सकते हो गाइज, सुपर। बताइए मैं कहाँ पे हूँ, ये बेंगलोर का कौन सा जगह बताइए। सुपर जबरदस्त लग रहा है, आज का थंबनेल तो यही रखूँगा। वाओ जो लोग बोलते हैं ना इल्लू में काम करोगे तो ऐसा काम करोगे इल्लू व्हीकल में, तो इससे छोटा गाड़ी में कितना हेडेक रहता है, कितना ट्रैफिक फेस करना पड़ता है ना, तो आप लोग समझ सकते हो। चलिए मैं अभी पोर्टर एप्लीकेशन में आ गया हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा कि आज मैं कितना घंटा काम किया हूँ और कैसा किया अर्निंग हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो आज ही पब्लिश होगा, ठीक है आज ही पब्लिश होगा और आप लोग को दिखाऊंगा कि देखिए कितना घंटा काम किया हूँ अर्निंग में क्लिक किया। जब अर्निंग में मैं क्लिक किया मैं टोटल 5 ऑर्डर टेकन किया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे ट्रिप टेकन ओनली 5 ऑर्डर, ये टाइमिंग इतना दिखा रहा है बट हाँ मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा था ये टाइमिंग गलत दिखा रहा है। अर्निंग कितना हुआ है, 800 समथिंग अर्निंग हुआ है। तो अभी बात कर लेते हैं मैं लॉग इन किया था कितने बजे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं 8:30 को लॉगिन कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग ये फर्स्ट ऑर्डर असाइन हुआ था 8:34 को, तो फर्स्ट वाला ऑर्डर को डिलीवरी किया 8:54 को, तो ये फर्स्ट ऑर्डर था। 79 का ऑर्डर 63 मेरे को मिला था। ठीक है, तो वो सर के घर से मेरे को रोज़ाना मिलता है, बहुत मैक्सिमम टाइम मिलता है ऑर्डर। उसके बाद अगर बात करेंगे कि उसके बाद भी एक ऑर्डर देख सकते हो 294 मिला है, और एक ऑर्डर मिला है 141, और एक मिला है 120, और एक मिला है 193। ये 294 जो मिला है ना, ये ऑर्डर देख सकते हो ये ऑर्डर असाइन हुआ था 368। जब मैं डिलीवरी लोकेशन में जाकर ट्रिप एंड किया फेयर चेंज हो गया, यहाँ पे 294 दिखा दिया। ठीक है, कस्टमर से कस्टमर ऑनलाइन यहाँ पे देखो, तो कस्टमर से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, पूरा जीरो है, मतलब कस्टमर ऑनलाइन पेड। आप लोग देख सकते हैं कस्टमर ऑनलाइन पेड हुआ है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं 368 यही है और 294 मेरा हुआ, वहाँ पे अर्निंग हो गया। ठीक है, और एक ट्रिप दिखाता हूँ, जैसे कि 120 मिला है, 150 से 120 मेरा कंपनी का बाकी। लास्ट ट्रिप 242 ऑर्डर देख सकते हो, 48 कंपनी का, 193 मेरा। तो आज का यहाँ पे देख सकते हो ओनली 5 ऑर्डर कंप्लीट किया हूँ 800 समथिंग, और कस्टमर ने मेरे को टिप्स भी दिए थे, तो मेरा 900 समथिंग आज अर्निंग भी हो गया। तो आप लोग बताएं मैं जितना घंटा काम किया हूँ, लास्ट डिलीवरी किया हूँ और 1:31 में 1:30 को लास्ट डिलीवरी किया प्रेस्टीज शांतिनिकेतन अपार्टमेंट में व्हाइट फील्ड होड़ी के पास।
आज का ड्यूटी बंद कर दिया। आप लोग बताइए जितना घंटा मैंने काम किया, जैसा अर्निंग किया, तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करना। और अभी भी मेरा वॉलेट में यहाँ पे जो लीजर बैलेंस है ना, देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 687 है ना। अगर मैं अभी विड्रॉ करना चाहूँगा तो 587 में विड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं विड्रॉ नहीं करूँगा तो नेक्स्ट टाइम जब जब मैं लॉगिन रहूँगा, लास्ट टाइम एक विड्रॉ करके भी आप लोगों को दिखाया था कि कैसे क्या विड्रॉ करना है। देखिए ये वाला अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ करके दिखाया था अकाउंट को, ये पैसा पूरा अकाउंट को गया है, ये पैसा देख सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं, विड्रॉ करने से भी 5-10 मिनट का अंदर पैसा आ जाता है अकाउंट में। तो यहाँ पे मिनिमम लीजर बैलेंस हमेशा 100 रुपया रहना चाहिए। अगर 100 भी नहीं रहेगा भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे जो विड्रॉ बैलेंस है ना, मान के चलो मैं ये विड्रॉ बैलेंस है, विड्रॉ पे हाथ लगाया तो यहाँ पे अगर मैं एक बार प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा तो 100 रुपया लीजर बैलेंस में रहेगा। ये 587.42 पैसा तुरंत अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा ही होता है। तो आप लोगों के सामने एक विड्रॉ लगा देते हैं, देख सकते हैं 587 अभी पेंडिंग में चला गया। तो देखिए पेंडिंग में चला गया, अभी देख सकते हो 587 यहाँ पे विड्रॉ अमाउंट 0 हो गया, 100 रुपया रख दिया मैं। देखते हैं कितना टाइम पे ये पैसा अकाउंट में हिट होता है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना गाइस, पूरा वेट करेंगे जब तक पैसा नहीं आएगा अकाउंट को, पूरा वेट करेंगे। मैंने 3:41 में ऑर्डर लगाया, देखता हूँ कितने बजे तक अकाउंट में पैसा आता है, ठीक है। 2 hours later तो देख सकते हो फ्रेंड, फाइनली मेरा पेमेंट आ गया। तो देख सकते हो पेमेंट क्रेडिट हो गया 587.41। तो यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन पे जहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ एप्लीकेशन में यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, जहाँ पे हम लोग ऑर्डर लगाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन पे दिखाता हूँ, ये तो अर्निंग हो गया। यहाँ पे लीजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कि पेमेंट सक्सेसफुल, यहाँ पे देख सकते हो कि पेमेंट मेरे अकाउंट में आ चुका है। यहाँ पे आप लोग पूरा लाइव देख सकते हो, यहाँ पे पेंडिंग था और भी देख सकते हो पेमेंट आ गया है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना गाइज़।